हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूँ, और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है एक्सपोनेंट्स। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो टर्म लिखा है एक्सपोनेंट, इसे और क्या क्या कह सकते हैं? इंडाइसेस कह सकते हैं, एक्सपोनेंट तो हम देख ही रहे हैं, पावर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमें सब कुछ समझ में आने लगेगा कि एक्सपोनेंट क्या है। और रियल नंबर के बारे में तो हम जानते ही हैं, नंबर सिस्टम में हमने क्या है देखा ही है। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। अब ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रल एक्सपोनेंट कहने का मतलब है यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा? होल नंबर होगा। और होल नंबर क्या है? अपने आप में ही क्या है? एक इंटीजर है। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। यहां पर मैं होल नंबर कह रहा हूं और फिर इंटीजर भी कह रहा हूं, क्योंकि होल नंबर तो इंटीजर में आता ही है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? जीरो, नेगेटिव और यहां पर पूरा पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो आप समझ रहे होंगे बात। तो क्या है? जीरो से लेके पॉजिटिव नेचुरल नंबर पूरा क्या आ गया? होल नंबर हो गया। अब यहां पर जब मैं इंटीजर कह रहा हूं तो क्या यहां पर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ सकता है क्या? तो देखेंगे हम कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या केस है और क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले यहां पर जो यहां पर इसके अंदर जो पहला यहां पर सब टॉपिक है वो है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। यानी अब यहां पर जो पावर है जिसे किया है एक्सपोनेंट कह रहे हैं वो अब क्या होना चाहिए इस केस में? इस केस में होना चाहिए अब पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। ये कह रहा है फॉर एनी रियल नंबर ए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन, ए टू दी पावर एन। यहां पर लिखा है ए टू दी पावर एन, और यहां पर जो ये एन दिख रहा है हमें ना, ए के ऊपर लिखा हुआ है, और यही क्या है? हमारा एक्सपोनेंट है। इसका कहने का मतलब है क्या? किसी भी नंबर पर जितना एक्सपोनेंट दिखेगा या जितना पावर दिखेगा वो जो नीचे का नंबर है हमें उसे उतनी बार क्या है? मल्टीप्लाई करना होगा। होप सो बातें क्लियर होंगी। यहां पर ए के ऊपर हमें पावर दिख रहा है, एक्सपोनेंट दिख रहा है एन, यानी अब यहां पर जो ए है इसे हमें क्या है? एन टाइम्स क्या है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको इतनी बात होप सो क्लियर हो गई होगी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। यहां कह रहा है ए टू दी पावर एन इज कॉल्ड द एनथ पावर ऑफ ए। यानी आप ध्यान से समझिए बात, यहां पर जब हम ए टू दी पावर एन को देख रहे हैं तो इस ए को हमें क्या है? एन बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यानी यहां 1 2 3 4 ऐसे करते करते ए को पूरे एन टाइम्स मल्टीप्लाई किए। और यहां पर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ए, ये किस पोजिशन पर आ गया? ये आ गया हमारा nth पोजीशन पर, क्योंकि 1 2 3 4 करते करते हमें क्या है? कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? n बार मल्टीप्लाई करना है। और एक ए आएगा जो सबसे आखिरी ए आएगा, और वो आएगा nth पोजीशन पर। और ये जो nth पोजीशन होगा ना, यही हमें देगा क्या? जनरल टर्म। और उसी जनरल टर्म का यूज करके हम क्या है यहां पर इस चीज को लिख रहे हैं ए टू दी पावर एन। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी सारी। अब चलिए उसके बाद क्या कह रहा है। द रियल नंबर ए इज कॉल्ड द बेस एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ द एनथ पावर ऑफ ए। अब ध्यान से, यहां पर जो हमारा एनथ टर्म निकल कर आ रहा है, अब यहां पर जो हम क्या है उसे इस तरह से एक्सप्रेस कर ले रहे हैं ए टू द पावर एन के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो ए हमें दिख रहा है, ये जो ए है ये ए कहलाता है यहां पर एक्सपोनेंट के केस में बेस। और यहां पर जो ये एन है इससे तो हमने अभी देख ही लिया, पावर कह लीजिए, इंडेक्स कह लीजिए, इंडाइसेस कह लीजिए, एक्सपोनेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसे क्लियर करते हैं। अब देखिए यहां पर जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो दिया है 2 टू द पावर 3, यानी 2 के ऊपर जो एक्सपोनेंट कितना गिवन है? 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 3 दिखा उसके नीचे जो ये नंबर है, अब इस नंबर को जितना एक्सपोनेंट होगा उतने बार इस नंबर को हमें क्या है? मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहां 3 दिख रहा है तो यानी 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया आंसर कितना निकल कर आ गया? 8 निकल कर आ गया। अब चलिए उसी तरह यहां दिया हुआ है 3/2 का होल पावर 2। मतलब यहां पर जो हमें नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 3/2, और इसके ऊपर का एक्सपोनेंट पावर कितना है? 2। यानी 3/2 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 9, और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर 2 इंटू 2 4।
होप सो इतनी भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए उसी तरह यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, -3/4 का पावर 3, यानी -3/4 को हमें कितने बारी मल्टीप्लाई करना है, 3/4। इस माइनस को ध्यान रखिएगा, माइनस को छोड़िएगा नहीं, माइनस बाहर नहीं है, माइनस अंदर है, माइनस पावर पे रहेगा तो अभी वो केस हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो अंदर नंबर है उसके साथ माइनस है, इस चीज का आप ख्याल रखें, यहाँ पर एक्सपोनेंट के साथ माइनस नहीं है, तो इसका मतलब -3/4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमने कर लिया, -3/4 × -3/4 × -3/4, यानी न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई होगा तो कर लेंगे, 3 × 3 × 3 27 हो गया, और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया। इसका मतलब यहां पर हमने नंबर को दो यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेकिन यहां पर बचा साइन, तो देखिए ध्यान से, -(-) + यहां तक अभी क्या है, इन दोनों माइनस से हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया है, तभी दिखा यहां एक और माइनस, +(-) माइनस होगा, तो इसीलिए जो नेट रिजल्ट आएगा माइनस का साइन निकल कर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी -3/4 का होल क्यूब करेंगे तो हमारा जो नेट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा -27/64। तो चलिए इतनी बात क्लियर, तो अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा है उसे देख लेते हैं। यहां कह रहा है फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर a a^0 = 1। अब ध्यान से ये यहां पर अभी आप अपने ध्यान में रख लीजिए, अभी जब हम आगे चलकर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको सही से क्लियरली समझाऊंगा कि a^0 कैसे 1 के बराबर आता है। बस अभी आप इतना ख्याल रख लें, क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 दिखेगा हमें तो वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा, खाली किसे छोड़कर, 0 का पावर 0 क्या है, 1 के बराबर नहीं होता है। इस केस को भी आप ध्यान रखेंगे, वापस से बोल रहा हूं, 0 का पावर 0 1 के बराबर नहीं होता है, और बाकी जो भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर का अगर पावर हमें 0 दिखेगा तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी। यहां देख लीजिए, 5 का पावर 0 1, -3/2 का पावर 0 1, यहां पर 2/3 का पावर 0 1, यानी कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 आ जाएगा, तो यहां पर उसकी वैल्यू क्या है, 1 के बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम भी देखेंगे आगे चलकर, बस यहां पर इन सभी चीजों को ख्याल रखिए, और एक ये बात भी आप ख्याल रखिएगा, 0 का पावर 0 क्या है, 1 के बराबर नहीं होता है। तो चलिए अब यहां पर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब ध्यान से, अभी हमने देखा था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, अब यहां क्या है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर। अब ध्यान से देखिए, इससे पहले हमने देखा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में क्या था, जो एक्सपोनेंट था खाली क्या था, पॉजिटिव था। अब यहां पर जो इंटीग्रल पार्ट है यहां पर एक्सपोनेंट का, वो क्या है, यहां पर नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब यानी जो हमारा बेस है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट दिखेगा वो हमें क्या है, नेगेटिव में दिखेगा, और वो हमें दिख रहा है a^-n। अब ध्यान से जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज को आप ख्याल रखिए, यहां पर a^-n है तो इसे हम क्या है, कन्वर्ट करके 1/a^n लिख सकते हैं, और हम क्या करेंगे, हम हमेशा ही जो हमें अगर नेगेटिव पावर दिखेगा उसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे 1/a^n के फॉर्म में। अगर फ्रैक्शन होगा तब भी हो जाएगा कन्वर्ट, और यहां पर नंबर होगा तब भी कन्वर्ट हो जाएगा, अभी हम एग्जांपल की हेल्प से देख भी लेंगे, लेकिन आप इस चीज को ख्याल रखें। ऐसा मैं क्यों करने बोल रहा हूं, आप देखिए ध्यान से, अगर यहां पर मेरे पास एक नंबर है 3 × 3, इसके ऊपर का जो यहाँ एक्सपोनेंट दिख रहा है हमें क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ 1 1 है, यानी 1 1 क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है, मतलब यानी 3 × 3 हम इजिली बोल सकते हैं 9। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर उसके बाद भी एक बार फिर अगर ऐसा लिखा हो 3 × 3 का पावर -1, ध्यान से, तो यहां पर 3 को एज इट इज हम ऐसा ही छोड़ देंगे, और 3 × 1 को इस रूल के हिसाब से हम यहां लिख सकते हैं 1/3, तो यानी इस 3 से यह 3 कट जाएगा तब भी वैल्यू आ जाएगी 1। यहां पर ये जो दो केस हमने देखा कि दोनों के केस में क्या है, यहां पर क्या है, पावर पॉजिटिव है, और यहां पर दोनों के केस में क्या है, एक बार पावर पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो काम हमारा ठीक चल रहा है, मीनिंग कुछ ना कुछ निकल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, अगर हमारा यहां पर आ जाए 3 का पावर -1 × 3 का पावर -1, यहां पर अब हमें क्या है, यहां 3 के पावर -1 को 3 के पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कुछ उतना सेंस निकलता नहीं है, है ना, जब यहां पर इतना कुछ सेंस निकलता नहीं है और इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं बच गया, सिर्फ हमारे पास जो रूल बच गया वो थका ये क्या ये, यानी ध्यान से, अब यहां पर हमारा क्या है 3 × 1 और 3 × 1 का अगर हम केस एक देख लें, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो दो नंबर हैं इन दोनों नंबर का जो एक्सपोनेंट है अब हमें क्या है, नेगेटिव दिख रहा है। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव दिख रहा है तो यहां पर जब पॉजिटिव था तो हम इजिली मल्टीप्लाई कर सके, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव था तब भी हम इजिली सॉल्व कर सके, लेकिन अब जहां पर दोनों जगह नेगेटिव है तो अब क्या करें, अब हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं बचा, इसको अब हम कैसे सॉल्व करें,
तभी यहां पर हमें दिखा ये रूल। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, अब हम इस रूल का यूज करेंगे और यहां पर 3 to the power -1 जो है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 1/a to the power n के केस में, और तब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे कि यहां पर अगर यहां पर किसी भी नंबर का यहां पावर नेगेटिव दिखा, अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसे और नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो यहां पर क्या है उसका कुछ उतना मीनिंग दिखता नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा उसे अब हमें पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इस रूल के हिसाब से। तो इतनी बात है क्लियर। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। अब यहां पर जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड वो क्या है 5 to the power -3, यानी अब क्या करेंगे ऊपर वाले रूल के हिसाब से इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। 5 to the power -3 को हम क्या लिख लेंगे 1/5 to the power 3। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे ऊपर रूल क्या है a to the power -1 = 1/a to the power n, या फिर अगर आप इसको इससे कन्वर्ट करके ऐसे लिख रहे हैं तब भी सही है, या फिर अगर आप वाइस वर्सा जाएं, अगर आप बैक भी जाएं, अगर ऐसा गिवन है इसको हम कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, यानी 1/a to the power अगर n गिवन है इसे अब हम चेंज करके a to the power -n लिख सकते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो उसके बाद जब हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया यानी 1/5 का क्यूब, 1 तो भैया 1 ही रह गया, अब दिखा 5 का क्यूब। इससे पहले वाले रूल में हमने देखा क्या कि जो भी नंबर है उसके ऊपर जितना एक्सपोनेंट दिया है उस नंबर को हमें उतने बार क्या है मल्टीप्लाई करना है, मतलब अब 5 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार। तो यहां हमने कर लिया 5 × 5 × 5, तो ध्यान से 1 का एज इट इज 1 ही रह गया क्योंकि 1 पे तो कोई एक्सपोनेंट था ही नहीं। यहां पे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 125, यानी 5 to the power -3 का जो रिजल्ट निकल कर आ गया 1/125 आ गया। चलिए उसी तरह यहां पर अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या दिया है 1/5 का पावर -2, इसका मतलब यहां जो नंबर है उसका जो एक्सपोनेंट दिया है -2, इसे हम वापस से अब कन्वर्ट करेंगे यानी 1/(1/5)2, यानी 1/5 को अब हमें क्या करना है 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 तो एज इट इज 1 ही रहेगा, यानी 1/5 को हम यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/5 × 1/5, यानी 1 का 1 ही रह गया और 1/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1/25। यहाँ पर जैसे ही 1/25 आया तो ये नंबर क्या है चेंज होकर ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर के पास और ये 1 एज इट इज नीचे ही रह जाएगा, यानी ऊपर जाकर 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 भी आ जाएगा और नीचे बेस में 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नेट रिजल्ट कितना आ गया 25। और ये चेंज आपको करना आता होगा, ये तो पता ही होगा ना, यहाँ पर a/b (c/d), तो ये d क्या करता है जाके a से मल्टीप्लाई होता है और ये c क्या होता है b से मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो जाएगा a/d/b/c, ये तो पता ही होगा। या फिर अगर ऐसा दिया हो a/b/c तो ये c क्या होगा जाके a से मल्टीप्लाई जाएगा हो जाएगा a/c/, नीचे क्या बच गया b। ये चीजें आपको क्लियर होंगी, अगर नहीं भी होंगी तो अभी आपको मैंने बता दिया, अभी आपको क्या है क्लियर हो गया होगा। चलिए जब इतनी बातें क्लियर तो अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो चलिए एक एक करके हम सारे लॉज को देखते हैं, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसे समझने की डिटेल में कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारा जो पहला लॉ है वो क्या कह रहा है उसे देखिए। इफ ए इज एनी रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन a^m (a^n) = a^m+n। इस चीज को, इस फॉर्म को आप दिमाग में अपने घुसेड़ लीजिए, है ना, ये वाला जो फॉर्म है आपको बार बार क्वेश्चन में दिखेगा, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि a^m (a^n) जो है बराबर होता है a^m+n के, यानी अगर बेस सेम, ध्यान से वापस से बोल रहा हूं, अगर हमें बेस सेम दिखेगा और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखेगा तो बेस के ऊपर का जो पावर है वो क्या होगा बेस के ऊपर ऐड होकर आ जाएगा। यही वाला चीज ये क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ हमें यहां पर दिखा रहा है। तो चलिए जब इतनी बातें क्लियर तो अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, एक झलक उसकी भी ले लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है यूजिंग द डेफिनेशन वी ऑब्टेन a^m (a^n), यहां पर जो हमारा डेफिनेशन था उसके यहां से जो एक्सप्रेशन निकल कर आया इसकी हेल्प से अब हम क्या है डेरिवेशन यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है a^m (a^n) जब हम कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी क्या किया था बताया था ना, कोई भी नंबर है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट दिख रहा है उस नंबर को हमें क्या है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर a^m और a^n जो है इंडिविजुअली दिख रहा है, मतलब इन दोनों को इंडिविजुअली जितना पावर है उतने बार क्या है हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर a^m जो है उसे अब हम क्या है a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a को हमने क्या किया m टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, उसी तरह यहां पर बीच में मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन डाला, अब वापस से a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वापस से a को क्या है हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया।
अब ध्यान दीजिए, अभी रूल कह रहा था कि अगर बेस सेम दिखेगा और उसके ऊपर का जो पावर दिखेगा, उन दोनों पावर को उस बेस के ऊपर ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए ए ए हर जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी ए ए ए हर जगह दिख रहा है। यहाँ पर पहला ए जो है एम टाइम्स तक मल्टीप्लाई है और दूसरा वाला ए जो है एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई है। अगर अब हम यहाँ पेयरिंग करना शुरू करेंगे, एक-एक इसका पहला ए ले लिया, इसका ए ले लिया, इसका ए ले लिया, फिर इसका ए लिया, मतलब दोनों का बेस तो सेम दिख रहा है, यानी दोनों का पावर ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। और यहाँ पर जब हम इस एम वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पावर क्या है एम तक है, यहाँ पर जब हम एम पावर तक को देखेंगे और दूसरे वाले केस में जब हम एन पावर तक को देखेंगे, जब इस एंथ पोजीशन पर हमारा एक ए पहुंचेगा और इस वाले केस में जब एम के पोजीशन पर हमारा एक ए पहुंचेगा, इसका मतलब इस पोजीशन पर जो एक के ऊपर का पावर होगा वो क्या होगा, एम के बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि ये एमएथ पोजीशन पर है और यहाँ पर ये एनएथ पोजीशन पर है, यानी इस ए का जो यहाँ पर जनरल फॉर्म निकल कर आएगा वो आएगा ए टू दी पावर एन के बराबर। अब ध्यान दीजिए, इस वाले केस में हमारा जो ए है एम तक मल्टीप्लाई है, इस वाले केस में हमारा ए एन तक मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ से जो हमारा टर्म निकल कर आ रहा है, यानी ए टू दी पावर एम आ जा रहा है, यहाँ से जो हमारा टर्म निकल कर आ रहा है ए टू दी पावर एन आ जा रहा है, मतलब दोनों का बेस सेम है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है यहाँ पर, तो क्या बेस सेम, तो पावर दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर सिंगल 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 पावर लेंगे तो यहाँ पर आखिरी में एम पावर तक पहुँचेंगे, यहाँ से सिंगल 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 पावर लेंगे, यहाँ से एन पावर तक पहुँचेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो बेस सेम तो पावर ऐड। यानी यहाँ पर अगर हम नज़र डालें सही से, जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा जो फाइनली पावर चढ़ जाएगा वो चढ़ जाएगा ए के ऊपर एम प्लस एन। यानी अब अगर हम एम प्लस एन को ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पर जो अब हमारा ए मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा अब हमारा एम प्लस एन तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को अगर हमने यहाँ पर पेयरिंग किया तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर तो पहले वाले में एम पावर था, दूसरे वाले में एन पावर था, लेकिन कंबाइन होकर जो हमारा फाइनली पावर निकल कर आ गया वो आ गया एम प्लस एन। यानी यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एम प्लस एन। क्यों? क्योंकि बेस यहां पर सेम है और यहां पर हमें एम प्लस एन तक मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम क्या है ए टू दी पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। यानी यहां से ये निकल कर आ गया ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन जो है ए टू दी पावर एम प्लस एन के बराबर है। और आप इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान में डाल लीजिए। चलिए, जब आपको इसका प्रूफ मैंने बता दिया तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब चलिए, यहां पर इस केस का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, 2 to the power 55 इंटू 2 to the power 16 माइनस 2 to the power 97 इंटू 2 to the power 18। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि यहां पर जब दो चीज आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस सेम है तो उसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अभी तो हमने यही देखा ना फर्स्ट लॉ में एक्सपोनेंट के, तो वही रूल क्या है अब यहां पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। ध्यान से, यहां पर 2 to the power 55 है इंटू 2 to the power 60 है, हमें दिख गया भैया बेस क्या है, सेम है, इसका मतलब बेस के ऊपर का जो यहां पर पावर है वो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो वो काम हम यहाँ कर लेंगे, यानी 2 to the power 55 प्लस 60 लिख लिया, बीच में यहाँ नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन डाल लिया। अब यहाँ पर वापस से फिर क्या लिखा है, 2 to the power 97 इंटू 2 to the power 18, मतलब वापस से दिखा हमें क्या, बेस सेम, यानी बेस सेम तो भैया पावर क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ वापस से 2 to the power 97 प्लस 18, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 55 प्लस 60 किया तो हमने 115 आ गया, यानी 2 to the power 115 आ गया, बीच में माइनस था माइनस, वापस से 2 का पावर 97 प्लस 18 किया तो वापस से 115 आ गया। मतलब इधर भी जो क्वांटिटी है, इधर भी जो क्वांटिटी है, आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, मतलब कैंसिल होकर कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। होप सो मैंने क्या किया, कैसे पहले लॉ को अप्लाई किया, यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, यहीं पर अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4, यानी वापस से बेस सेम, यानी बेस सेम तो यानी पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना हो, 6, यानी 5 टू द पावर 6 हो गया। इस चीज को आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, और यहां पर क्या है मल्टीप्लाई करके, यहां पर गलती लिखा हुआ है, आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 नहीं होगा, गलती से लिख गया यहां पर, 5 टू द पावर 6 को आप क्या है मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहां पर ऐसे कर लीजिएगा,
5 to the power 3 + 3, ये भी तो कर सकते हैं ना, 6 को हम क्या है 3 + 3 लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, एक बार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 to the power 3 × 5 to the power 3, यानी 5 to the power 3 का वैल्यू होता है 125 इंटू, वापस से 5 to the power 3 का वैल्यू होता है 125, यानी 125 × 125 जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वही आंसर होगा 5 to the power 6 का, आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो चलिए जब आपको इतनी बातें सब कुछ समझ में आ गई तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, चलिए जरा उसे देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर कह रहा है सिंप्लीफाई, यहाँ पर लिखा है 3 a to the power 4 b to the power 3, एक ब्रैकेट में लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 18 a to the power 3 और b to the power 5, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें फर्स्ट लॉ का यूज करके यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। चलो चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर का काम करेंगे, 3 × 18 कितना होगा, 3 × 18 हो जाएगा हमारा 54। चलिए नंबर तो खत्म हो गया, अब क्या करना है, अब हमें देखना है कौन कौन सा टर्म सेम है, यानी यहाँ हमें ए दिखा तो यहाँ भी हमें ए दिखा, मतलब जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनका जो बेस सेम होगा तो मतलब उनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसका मतलब a to the power 4 × a to the power 3 है यहाँ पर। तो यहाँ अपनी यहाँ में दिख गया बेस ए, ए यहाँ पर सेम है तो यहाँ लिख लेंगे हम ए, और यहाँ पर जो पावर है यहाँ पर दिखा है 4 और यहाँ पर दिख रहा है हमें 3, यानी 4 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7, यानी ए को तो हमने सॉल्व कर लिया, यानी 54 × a to the power 7 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बी दिखा, यहाँ भी हमें बी दिखा, बीच में कोई साइन नहीं तो मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो बेस सेम तो पावर ऐड, यानी बी यहाँ लिख लेंगे, इसके ऊपर का पावर है 3 और इसके ऊपर का पावर है 5, यानी 3 + 5 हो जाएगा अपना कितना 8, यानी जो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करने दिया था हमने यहाँ पर कर लिया। तो चलिए जब इतना हो गया तो अब देखते हैं अब हम सेकेंड लॉ को। अब यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लॉ है वो क्या कह रहा है, इफ a, b आर रियल नंबर्स एंड m और n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन, यहाँ पर जो रूल कह रहा है आप इसे ध्यान में रखिएगा, अभी हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे कैसे आ रहा है, बट यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ, इससे पहले जो फर्स्ट लॉ में लिखा था वो यहाँ पर भी एक क्या है टर्म ब्रैकेट में लिखा है, तो आप इन सभी को अपने ध्यान में रखिए, यूज इन सभी का ही होने वाला है ना। अगर एग्जाम में अगर आपसे प्रूफ पूछ लेगा तो वो एक अलग बात है, प्रूफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका ही एप्लीकेशन वहां पर करना होगा। कैसे इसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में वो मैं आपको दिखाते भी जा रहा हूँ साथ साथ, और जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करेंगे आगे जाकर लेक्चर्स में तब भी आपको वहां पर दिखेगा। तो आप पहले इन सभी टर्म्स को क्या है अपने ध्यान में बसा लीजिए, इन सभी फॉर्मूलाज को अपने ध्यान में रखिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, काफी आसानी होगा। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, a × b to the power n, यानी a × b का होल पावर क्या है n दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एक बार a to the power n × b to the power n के बराबर, मतलब यानी a × b का होल पावर n दिया है, तो जब इस पावर को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये जो पावर n है ये दोनों पर एक एक बार आ जाएगा, एक बार ए के ऊपर आ जाएगा, एक बार बी के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए ये कैसे आ रहा है इसका यहां पर अब हम प्रूफ देख लेते हैं। यहां क्या कह रहा है, यूजिंग डेफिनेशन वी ऑब्टेन a × b to the power n, यानी आप ध्यान दीजिए यहां पर नंबर दिखा a × b, इसके ऊपर पावर कितना दिखा n, यानी a × b को अब हमें कितने बारी मल्टीप्लाई करना होगा, n टाइम्स, तो अब हमने क्या किया a × b को मल्टीप्लाई कर लिया कितना, n टाइम्स। अब ध्यान से यहां पर जब हमने a × b यहां पर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो यानी a × b में a और b दोनों प्रेजेंट है, और ये a और b जो है दोनों क्या है n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या है इनको सेपरेट करके भी अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर a को जो है अलग कर ले रहा हूं एक बार n टाइम्स, और एक बार b को जो है अलग कर ले रहा हूं एन टाइम्स। अब मैं क्या हो गया, यहां पर अलग करने के बाद ए को एन टाइम्स और बी को एन टाइम्स। अब ध्यान दीजिए, अब तो यहां पर फर्स्ट लॉ वाला थोड़ा केस याद कीजिए, यानी ए को अब हमने एन बार मल्टीप्लाई किया है, तो यानी एक 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 बार जोड़ेंगे तो यानी फाइनली कितना आ जाएगा, a to the power n के बराबर। होप सो इतनी बात आपको क्लियर होगी, आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी ये चीज समझाया था, और अभी अब हम जब जब हम क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ देख रहे थे तब भी आपको मैंने ये चीज समझाया था, मतलब आपको मैंने 2-3 बार ये चीज समझा दिया है, तो वापस से वही चीज निकल कर आ गया, यानी उन सभी का यूज करके अब क्या है यहाँ पर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो यानी इसका पूरा वैल्यू कितना हो गया a to the power n, उसी तरह यहाँ पर बी को हमने कितना मल्टीप्लाई किया, एन टाइम्स किया, तो यानी यहाँ से बी भी निकल कर कितना आ जाएगा,
बी टू द पावर एन, यानी अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यानी इन दोनों को हमें क्या है मल्टीप्लाई करके लिख देना है, यानी ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, और ये बराबर क्या हो जाएंगे ए टू द पावर एन डॉट बी टू द पावर एन, चाहे आप क्रॉस दिखा लीजिए या फिर डॉट लिख दीजिए, दोनों का मतलब क्या प्रोडक्ट ही होता है। तो यानी यहाँ से हमारा क्या है प्रूफ भी आ गया। लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज है ये जो ब्रैकेट में लिखा है, प्लीज आप इसे क्या है अपने ध्यान में रखेंगे। तो चलिए जब हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया तो एक एग्जांपल भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या गिवन है 10 to the power 2। अब ध्यान से अब ये रूल इस पर कैसे अप्लाई करें, यहाँ तो 10 दिखा, यहाँ a इंटू बी है, तो अब हम क्या करेंगे 10 को ब्रेक कर लेंगे। 10 को कैसे ब्रेक करेंगे 2 into 5 में। जैसे ही हमने 10 को 2 into 5 में ब्रेक किया, इसके ऊपर पावर कितना है 2, और इस 2 को जैसे ही हम अंदर लाएंगे तो ये 2 क्या है एक बार 2 के ऊपर आ जाएगा पावर बन के, अगर 5 के ऊपर आ जाएगा पावर बन के। तो यहाँ पर देखिए आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यानी यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 100 आना चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 इंटू 4 कितना होगा 100 ही हो जाएगा। होप सो बातें आपको सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पर सेकंड लॉ का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वापस से यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वापस से आप इन सभी ब्रैकेट्स पर नजर रखिए और इन सभी को क्या है अपने ध्यान में बसा लीजिए। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, a बाय b का होल पावर n दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में दिया है, इससे पहले वाला मल्टीप्लीकेशन फॉर्म था, है ना, वहां जो हमने किया एज इट इज वही चीज यहाँ करना है। बस यहाँ पर क्या, यहाँ पर डिवीजन है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन था और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर a बाई बी का होल पावर n है, जैसे ही हम इस n को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो एक बार ये पावर n जो है a के ऊपर आ जाएगा और एक बार b के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, जहां पर b जो है 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हमारा यहाँ डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा भैया तो ये पूरा जो टर्म है, पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना, हम किसी भी चीज को क्या है 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या है इसका यहां पर प्रूफ है, तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या कह रहा है, a बाय b टू द पावर n दिया हुआ है, यानी यहां पर वापस से नंबर क्या है a बाय b का पावर n, यानी अब a बाय b को अब हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना n टाइम्स, तो अब हमने a बाय b को क्या है मल्टीप्लाई करके पूरा n टाइम्स लिख दिया। अब ध्यान से वापस से न्यूमरेटर में देखिए a वापस से n टाइम्स मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर में b क्या है n टाइम्स मल्टीप्लाई है। वापस से अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करके लिख लेंगे। यहां पर a को हमने ब्रेक करके लिख लिया n टाइम्स और यहां पर वापस से b को ब्रेक करके लिख लिया हमने n टाइम्स। वापस से हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा है a को जब हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो जनरल फॉर्म है निकल कर क्या आता है, वो आता है a टू द पावर n। यहां पर a टू द पावर निकल कर आ गया। उसी तरह यहां b भी क्या n टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो b का जनरल फॉर्म क्या निकल कर आ जाएगा, b टू द पावर n। और यही चीज तो यहां लिखा हुआ है कि a by b का पावर n जो है बराबर है a का पावर n अपॉन b का पावर n, वही चीज तो यहां निकल कर आ गया। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए यहां पर एग्जाम्पल जो है इसके ऊपर देख लेते हैं। यहां पर दिखा है एग्जाम्पल 2/3, यानी यहां पर नंबर दिया है उसका पावर क्या लिखा है 3, यानी अब हमारा क्या करना है इसे इस तरह से सॉल्व करना है। हमारा जो क्वेश्चन है अब उस पर हमें ये वाला फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 2/3 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना, अब क्या है इसका यूज करना, यानी a बाय b का पावर n है तो उसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a का पावर n अपॉन b का पावर n। उसी तरह यहां पर a बाय b का पावर n दिया हुआ है तो यहां पर हम इसे ब्रेक करके लिख लेंगे a का पावर n यानी 2 का पावर 3, यानी b का पावर n यानी 3 का पावर 3। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यानी इजिली इसे सॉल्व करके आंसर कितना आ गया रूल के हिसाब से 8/27। तो होप सो आपको जो मैंने यहां समझाया आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा है उसे देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स। अभी हमने देखा भी ना 10 को हमने कैसे ब्रेक किया 2 into 5 में, 2 क्या है एक प्राइम है, 5 भी क्या है एक प्राइम है, यानी 10 को हम क्या है प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता भी होगा वैसे ही। चलिए यहां पर उसके बाद क्या कह रहा है, देयरफॉर इफ p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स सच दैट, और यहां पर कह रहा है जब हम उस नंबर को पॉजिटिव नंबर को ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से और वहां पर p और q अगर दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स निकल कर आए तो उसके बाद जो यहां पर एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो रूल लिखा है उसको हम देखते हैं। यहां कह रहा है p टू द पावर l इंटू q टू द पावर m इक्वल टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। अगर ऐसा लिखा है यानी इक्वल टू के LHS साइड में
पी का पावर एल दिया है और इनटू क्यू का पावर एम दिया है, और वहीं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड में लिखा है पी का पावर ए इनटू क्यू का पावर बी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वलिटी को फॉलो करना है, यानी जो हमें दिखेगा बेस सेम उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ हमें दिख रहा है पी, यहाँ भी दिखा बेस में पी, यानी पी पी यहाँ पर सेम दिखे इक्वल टू के दोनों तरफ, तो उसके ऊपर का जो एक्सपोनेंट, उसके ऊपर का जो पावर है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एल जो है ए के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्यू दिखा, यहाँ पर भी क्यू दिखा, यानी दोनों बेस क्या है, दोनों तरफ हमें सेम सेम दिख गए। इसका मतलब LHS में जो उस बेस के ऊपर का एक्सपोनेंट है और RHS में जो उस बेस के ऊपर का एक्सपोनेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी M जो है यहाँ पर B के बराबर हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर क्या है कह रहा है, और इसका बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, इसको क्या है आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 2/11 का पावर 4 इंटू 11/3 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 का पावर क्यूब। अब ध्यान से यहाँ पर अब हमें क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या है अप्लाई करना है, जो अभी हमने पीछे क्या है रूल पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या बोला था, ए बाई बी का पावर अगर एन होगा तो अब हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एन अपॉन बी का पावर एन। उसी तरह उसे क्या है यहाँ पर सभी को ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 अपॉन 11 का पावर 4 इंटू 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं, हमने अभी ये रूल पढ़ा है। तो अब ध्यान से अब यहाँ पर a टू द पावर n का फॉर्म आ गया, और a टू द पावर n के फॉर्म में क्या करते थे, a को हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे जितना उसका एक्सपोनेंट होता था, यानी 2 का पावर 4 है, यानी 2 को हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 कर लिया हमने 4 बार मल्टीप्लाई, उसी तरह 11 को भी 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 × 11 × 11 × 11। ध्यान से अब यहाँ पर 11 का क्या है स्क्वायर है, तो यानी 11 को हम यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 × 11 कर लिया हमने मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 वापस से बीच में मल्टीप्लाई, 3 को अब यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2। ध्यान से अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अब खाली यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ध्यान से यहाँ नीचे डेनोमिनेटर में 3 2 दिखा, ऊपर में 4 2 था, तो यहाँ पर 3 2 हमने कट कर दिया। यहाँ पर हमें 2 11 दिखा, हमने यहाँ से यहाँ के 2 11 खत्म कर लिए। यहाँ पर हमें 3 3 दिखा, यहाँ पर 2, तो यहाँ नहीं, यहाँ से अब हमने क्या किया, 2 3 खत्म कर लिया। अब न्यूमिनेटर में कितना बचा, 2 और 3, यानी 2 × 3 कितना हो गया, 2 × 3 हो गया भैया अपना 6। ध्यान से और यहाँ डेनोमिनेटर में सब कुछ कट चुका है, खाली बचा है क्या, 11 × 11, 11 × 11 कितना होता है, 121। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पर जो हमें सिंप्लीफाई करना था, हमने सिंप्लीफाई करके आंसर कितना निकाल लिया, 6/121। तो चलिए जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व 2 to the power x minus 5 = 256। अभी हमने थोड़े देर पहले एक रूल देखा था क्या, कि अगर कोई एक पॉजिटिव यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वहाँ पर दोनों तरफ जो यहाँ पर हमें प्राइम नंबर दिखेंगे, जो बेस अगर सेम दिख गया और जो उनका पावर होगा, वो पावर क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। तो अभी हमने देखा था, तो उसी का हमें क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखा है 2 to the power x minus 5, हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे 2 to the power x minus 5 = यहाँ पर दिखा 256। तो यानी अब देखिए यहाँ पर हमारा बेस दिख रहा है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में 2, तो यानी इस 256 को हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा कि उसका 2 का पावर समथिंग चढ़ जाए, तभी तो बेस क्या है सेम मिलेगा, तो यहाँ पर हम जो पावर क्या है उसे इक्वल कर पाएंगे। तो यानी 256 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 to the power 8, यानी 2 को अगर हम 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 256। आप एक बार खुद से यहां पर फैक्टराइजेशन करके देखिएगा 256 का, आपको दिख जाएगा कि 2 को हम अगर 8 बार मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जा रहा है। अब ध्यान से यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में बेस 2 दिखा, राइट हैंड साइड में भी बेस 2 दिखा, यानी बेस सेम, तो दोनों तरफ का जो यहां पर पावर है वो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही यहां पर पावर बराबर होंगे तो यहां कितना हो जाएगा, x - 5 = 8। अब हमें क्या है यहां से x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहां से हो जाएगा हमारा x =
8 यानी -5 इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा +5 यानी ये वैल्यू निकल कर आ गया अपना कितना 13। यानी इसको जो हमें सॉल्व करना था यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, वो आ गई अपनी 13। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको मैं ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क देता हूँ, आप इसे प्लीज सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आंसर कितना निकला। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही जो मैंने आपको पढ़ाया, होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।